हम सूर्य मंदिर के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं और सूर्य मंदिर कुमाऊं का एक मैं कोसी रिवर क्रॉस करते हुए अल्मोड़ा से यहाँ 17 किलोमीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बोगनवेलिया का बहुत बड़ा पेड़ था तो टूट गया है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार पहला, उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज है संडे और पता है आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ ना, जस्ट वहाँ से हम आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो आज हमारा ना गेटअप कुछ अलग सा लग रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने घर के सारे काम निपटा दिए आज, मतलब खेती का काम नहीं था क्योंकि हमारी अभी मटर गुड़ाई मतलब तैयार नहीं हुई है मटर गोड़ने लायक, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कहाँ तक जाएं पर अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन घर से रेडी होके आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक क्या है। और साथ में मैंने ली है जैकेट, और क्योंकि अगर हम दूर जाएंगे तो राइडिंग में तो जैकेट चाहिए ही चाहिए। और साथ में क्या है ना, मेरा अभी चश्मा बन के नहीं आया है, मतलब कि हल्द्वानी से मैंने मंगाया नहीं है, तो इसको मेरे को चाहिए कि मैं कुछ न कुछ पहनूं, तो इसलिए अब मेरे को इसका इससे काम चलाना पड़ेगा। और सबसे पहले हम फ्यूल फिल करेंगे और फिर निकलेंगे। और साथ में है प्राची, अभी कैमरा के पीछे है तो उसका लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए। तो काफ़ी सुहावने मौसम के बाद प्राची भी रेडी हो चुकी है। हेलो, कहाँ जाने का प्लान है बता दो क्या? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बताना है, अभी देखते हैं, लेट होगी तो मैं नहीं जा सकती हूँ, जहाँ आपकी जिद है वहाँ हम नहीं भी जा सकते हैं। चले फिर। गाइज अभी हम हैं प्योड़म में और यहाँ से आप देख सकते हैं अल्मोड़ा दिख रहा है और उस टाइम पे ना बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं क्वारब और ये सामने है क्वारब की पुल, और जो वो वाला रास्ता है ना, वो वाला रास्ता है जो वो हल्द्वानी की तरफ को जाता है और जो ऊपर वाला रास्ता है वो अल्मोड़ा की तरफ जाता है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ को जाते हैं। और अभी नई पुल बनी है यहाँ पे। हाँ, और अभी यहाँ पे नई पुल बनी हुई है, जाने भी लग गया। अब चौड़ी चौड़ी पुल बनी है ना, पहले जो पुरानी वाली पुल थी वो देखो लोहे वाली थी तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो अब क्या हो गया कि बहुत चौड़ी पुल बन गई और ये जाता है हल्द्वानी काठगोदाम नैनीताल को रूट। और हम जाएंगे अल्मोड़ा को। लोधिया, और यहाँ जो है ना अल्मोड़ा की जो है प्रसिद्ध बाल मिठाई वगैरह मिलती है और यहाँ बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। सिंगौड़ी चॉकलेट बाल मिठाई वगैरह सब यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे ना सारी मिठाइयों की दुकान है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा मार्केट में और आपको अल्मोड़ा मार्केट भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे ना पहले बोगनवेलिया का बहुत बड़ा पेड़ था तो टूट गया है, अभी फिर से अभी बहुत सुंदर फूल आया है उस पर पर्पल कलर का। अगर किसी ने अल्मोड़ा की पहले फ़ोटो देखी होगी ना तो यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ था इसका बोगनवेलिया का, एक बार टूटने के बाद फिर दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे है खीम सिंह मोहन सिंह की प्रसिद्ध मिठाई और अब हम चलते हैं आगे को और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बने रहिए ब्लॉग के साथ।
तो दोस्तों सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं कोसी, और नीचे है कोसी रिवर, और इसको क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे कोसी मार्केट में, और आगे दिखाएंगे आपको कि कोसी मार्केट कैसी है, और यहां से हमें जाना है सूर्य मंदिर कटारमल में। तो आपको आज काफ़ी अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्रॉस कर लिया है कोसी पुल, और आगे दिखाते हैं आपको मार्केट। तो गाइज ये रही कोसी की मार्केट। तो ये है सूर्य मंदिर कटारमल जाने वाला रास्ता, और ये रास्ता आता है आपका कोसी रिवर क्रॉस करते हुए, और फिर यहाँ से आगे को गई एक रोड रानीखेत के लिए, और ये बीच में यहाँ से आपको जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर आगे, तो उसके लिए रोड यहाँ से है। हम लोग पहुंच गए हैं सूर्य मंदिर कटारमल में, और अभी पता है दिन के 2 बज रहे हैं, लेट हो गया क्योंकि हम लोग ना घर से 12 बजे आए, और बिल्कुल भी प्लान नहीं था हमारा, बस घर के कामों में थे। पर आते आते हम पहुंच गए हैं सूर्य मंदिर कटारमल में, और ये है पैदल रास्ता, और यहाँ तो अच्छी खासी चमचमाती धूप लगी हुई है। और इस रास्ते से 200 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि जो ऐतिहासिक मंदिर है वो हम पहली बार जा रहे हैं। प्राची भी है ना, प्राची भी पहली बार, और मैं भी, और सच में हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ आए। और चलिए फिर आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोगों ने पार्किंग वहाँ कर दी थी, और वहाँ पर रसीद भी काटी, और वहाँ से फिर ये वाला रास्ता जा रहा है ऊपर के लिए। थोड़ा हमको ट्रैक करना पड़ेगा। तो फाइनली हम सूर्य मंदिर के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं, और सूर्य मंदिर कुमाऊं का एक ऐसा मंदिर है जो कत्यूरी वंश के राजाओं ने बनाया था, और एक रात में ही ये मंदिर बना है, और ऐतिहासिक मंदिर है, और हमारा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगी। हम तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि शायद ये मतलब एक कहना चाहिए कि एक सौभाग्य होगा हमारा यहाँ आने का, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था, हम बस अल्मोड़ा तक ही आए थे। हमने सोचा था थोड़ा सा अल्मोड़ा में टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा खाएंगे पियेंगे और चल देंगे, लेकिन हुआ क्या, माइंड में ऐसा लगा कि चलो हो ही आते, और हम आए हैं अल्मोड़ा उधर, और अल्मोड़ा से यहाँ आ गए हैं। साथ में बीच में हमने हवालबाग क्रॉस कर लिया जहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र है, और साथ में कोसी रिवर क्रॉस करते हुए अल्मोड़ा से यहाँ 17 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और हम लोग रोड में गाड़ी रखने के बाद आ चुके हैं दर्शन करने, और आपको भी कराते हैं तो जल्दी, क्योंकि हम लोगों को वापस भी जाना होगा ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा फटाफट दर्शन करने की सोचते हैं। तो चलिए फिर। तो ये है परिसर का प्रेस द्वार, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप मंदिर परिसर में ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ा सकते, शायद पता नहीं वीडियोग्राफी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलते हैं। और यहाँ से देखिए पूरा हवालबाग दिख रहा है नीचे कोसी, और वहाँ से हम यहाँ पहुँच गए।